मरकुस रचित सुसमाचार छठवां अध्याय। वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहां से आ गईं? और यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, और कैसे सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? क्या यह वही बड़े ही नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहां हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता, और वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अविश्वास पर आश्चर्य किया और चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। और वह बारहों को अपने पास बुलाकर उन्हें दो दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। और उसने उन्हें आज्ञा दी कि मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न पटके में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और दो दो कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहां कहीं तुम किसी घर में उतरो तो जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करें और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुतेरे दुष्टात्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। और हेरोदेस राजा ने उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था, और उससे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। और औरों ने कहा, यह एलिया है। परंतु औरों ने कहा, भविष्यद्वक्ता या भविष्यद्वक्ताओं में से किसी एक के समान है। हेरोदेस ने यह सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वह जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने आप अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने ब्याह किया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था कि अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और वह यह चाहती थी कि उससे मरवा डाले, परंतु ऐसा न हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाए रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था, पर आनंद से सुनता था। और ठीक अवसर पर जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और अपने सेनापतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की, और उसी हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया, तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ खाई कि मैं अपने आधे राज्य तक जो कुछ तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा कि मैं क्या मांगू। वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूं कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। और राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेलखाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी मां को दिया। यह सुनकर उसके चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर कब्र में रखा। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए, और बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया, और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया
क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है, उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पांति पांति से बैठा दो। वे 100-100 और 50-50 करके पांति पांति बैठ गए। और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी और सब खाकर तृप्त हो गए, और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई और कुछ मछलियों से भी। जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक कि वह लोगों को विदा करे, और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के 4th पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई, और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे क्योंकि वे उन रोटियों के विषय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे। और वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई, और जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे, और जहां कहीं वह गांवों नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे।